बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आज आपको ना लॉ का एक छोटा सा लेक्चर दे रहा हूँ। ये आप अपनी बुक कृष्ण चंद में पेज नंबर 39 पे देख सकते हो। तो पेज नंबर 39 पे कंसेंट का टॉपिक है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंसेंट हमने पढ़ना है कि कंसेंट क्या होता है लॉ के अंदर, और कब कहा जाता है कि कंसेंट जो है फ्री है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कि कितना कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दो पार्टी चाहिए होती हैं। एक पार्टी जो होती प्रपोजल देती है, दूसरा पार्टी क्या करती है, उसे एक्सेप्ट करती है। अब जो एक्सेप्ट करने वाली पार्टी है वो अपना कंसेंट दे रही है, सहमति दे रही है कि हाँ मैं आपके प्रपोजल से सहमत हूँ। तो कंसेंट जो होता है ना वो तब सही माना जाएगा जब वो फ्री हो। अब फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि उसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई कोएर्शन ना हो, कोएर्शन मतलब धमकी ना हो, और कोई मिस रिप्रेजेंटेशन झूठ ना बोला गया हो, या लेकिन मिस्टेक ना हो। और एक पॉइंट और है, उसको बोलते हैं हम मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन भी होता है, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्शन और मिस्टेक। ये पांचों चीजें अगर नहीं होंगी कंसेंट के अंदर तो हम उसको बोलेंगे कि वो कंसेंट क्या है, फ्री है। तो एग्रीमेंट करते वक्त कंसेंट फ्री कब माना जाता है? एग्रीमेंट करते वक्त कंसेंट फ्री तब माना जाता है जब एक पार्टी प्रपोजल दे रही हो और सामने वाली पार्टी जो होती है सेम माइंड में, सेम सेंस में, सेम सब्जेक्ट मैटर पर राजी हो जाए। तो इसमें देखो, माइंड आइडेंटिकल चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सेम चाहिए, और यानी कि जो होता है दोनों पार्टीज बिना किसी फ्रॉड के और बिना किसी क्वेश्चन धमकी के वो पार्टीज क्या कर ले, अपना कंसेंट एक्सेप्ट करे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया, कंसेंट के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था मैं, टॉपिक छोटा सा कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो कंसेंट यहाँ पर यानी कि जो होता है इट मीन दैट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट हैव आइडेंटिटी ऑफ माइंड। आइडेंटिटी ऑफ माइंड मतलब दोनों पार्टीज अपनी स्वतंत्र सहमति से अपने एग्रीमेंट को क्या करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। एक पार्टी ने प्रपोजल दिया और दूसरी पार्टी ने जो होता है क्या, उसे एक्सेप्ट कर दिया सेम मैनर में, सेम माइंड के साथ, सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो हम कहेंगे कंसेंट क्या है, बिल्कुल फ्री है। इफ देयर इज एनी रीजन दैट नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड देयर इज नो एग्रीमेंट। अगर माइंड आइडेंटिकल नहीं है हमका तो एग्रीमेंट भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। कंसेंट का मतलब क्या हुआ? कंसेंट का मतलब ये हो गया कि भाई दो पार्टीज आपस में, एक पार्टी प्रपोजल दे रही है, सामने वाली पार्टी जो है उसको क्या कर रही है, बिल्कुल यानी कि उसी सेंस में, सेम माइंड के साथ, सेम सब्जेक्ट मैटर को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कंसेंट, सहमत होना। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि ए के पास दो कारें हैं, एक जो होती क्रीम कलर की है और एक जो होती है व्हाइट कलर की है। अब ए ऑफर दे रहा है बी को कि तू मेरी कार दे दे 50,000 रुपए में। अब जो बी है वो सोच रहा है कि वो व्हाइट कलर की कार बेहतर है, लेकिन जो ए है वो ऑफर दे रहा है किसकी, क्रीम कलर की कार की। तो दोनों का माइंड सेम नहीं है। अगर यहाँ पर बी एक्सेप्ट भी कर देता ऑफर तो उनका माइंड सेम ना होने की वजह से ये ऑफर फ्री कंसेंट इसका नहीं माना जाएगा बी का, और एग्रीमेंट नहीं होगा। तो क्या बताया, सारे एग्रीमेंट जो से होते तभी माने जाएंगे जब दोनों पार्टी सेम सेंस में, सेम सब्जेक्ट पर क्या करे, राजी हो जाए। तो छोटी सी बात बता रहा हूँ कि कब कहा जाता है कि कंसेंट फ्री है, अगर उसमें चार छह पांच चीजें ना हो। जो उसमें लिख रहे हैं कंसेंट इज असेंट, असेंट मतलब क्या होता है, सहमति देना, और एक्सेप्टेंस है टू कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। तो इसमें क्या बताया मैंने, सेम पॉइंट का सेम माइंड यानी कि आइडेंटिकल माइंड होना चाहिए, मतलब एक ही सब्जेक्ट पर वो राजी हो, दूसरा सेम सब्जेक्ट हो, एंड कंसेंट फ्री होगा। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री
इफ देर इज नो, नहीं होना चाहिए, इन पांचों में से कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए. क्या नहीं होनी चाहिए? एक तो फ्रॉड नाउन, सबसे पहले तो है क्वेश्चन नाउन. क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? धमकी. कोई किसी को धमका कर एक्सेप्ट करवाता है तो वो नहीं होना चाहिए. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस तो अनुचित प्रभाव डालकर आप यानी कि जो है क्या करते हो, किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते. फ्रॉड करके आप किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते. मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन करके अपनी बात नहीं मनवा सकते. और अगर मिस्टेक हुई है, मतलब उनका माइंड ही सही नहीं था, सेम नहीं था, इंटीरियर नहीं था, तो उसको हम मिस्टेक मानते हैं. तो इसमें पांच पॉइंट बताए कि कंसेंट कब फ्री माना जाएगा. कंसेंट तब फ्री माना जाएगा जब उसमें पांच चीजें नहीं होंगी. क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मतलब कोई भी ऐसा काम करना जो इंडियन पेनल कोड द्वारा क्या है, लॉ के अगेंस्ट है. जैसे कोई भी इंडियन पेनल कोड ने अगर कोई ऐसा काम बता रखा है जो लॉ के खिलाफ है, तो वो अगर आप करते हो तो क्वेश्चन माना जाएगा. जैसे वो धमकाना, मारपीट करना, जैसे मैं किसी को बंदूक दिखाकर उससे बात मनवा दूं, तो ये एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कहते हैं अनुचित प्रभाव डालना. मतलब कोई लोग अपनी रुतबे का फायदा उठाकर, अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से, टीचर अपने स्टूडेंट से, डॉक्टर अपने पेशेंट से, उनसे अनुचित प्रभाव डाल के अपनी बात मनवा लेते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा अगर ये होगा. फ्रॉड, फ्रॉड मतलब जानबूझ के झूठ बोलना, ऐसी चीजें बोलना जो मुझे ही पता है कि सच नहीं है. जैसे मैं बोलूं कि मेरी बाइक बिल्कुल नहीं है, एक्सीडेंट फ्री है, और मैं अपनी बाइक बेच दूं किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर, तो वो फ्रॉड माना जाएगा. अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन तो क्या होता है? इसमें भी झूठ बोला जाता है लेकिन अनइंटेंशनली बोला जाता है. फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में यही फर्क है. फ्रॉड में हम जानबूझ के झूठ बोलते हैं, और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, झूठ तो बोलते हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम झूठ बोल रहे हैं. तो इस तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बंदा अपनी फैक्ट्री को बेच रहा है, कह रहा है इसमें 100 यूनिट डेली बनती है. उसे खुद ही नहीं पता कि उसकी फैक्ट्री में 40 यूनिट ही बनती है सिर्फ, उसे झूठ बोल के अपनी फैक्ट्री बेच दी. तो सामने वाला बंदा क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. मिस्टेक क्या होता है? जब दोनों का माइंड आइडेंटिकल ना हो, सब्जेक्ट मैटर की गलती हो जाए. मैं सोच कार वाला एग्जांपल दिया था मैंने अभी, कि ए जो होता है अपनी व्हाइट कलर की कार जो ऑफर कर रहे हैं बेचने के लिए, बी को लग रहा है ये अपनी क्रीम कलर की कार बेचना चाहता है. दोनों का माइंड सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा. तो कंसेंट कब फ्री माना जाता है? जब दोनों पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम माइंड के साथ क्या कर दें, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर दें, ऑफर को एक्सेप्ट कर दें. तो उसमें ये पांच चीजें नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ये पांचों चीजें अगर नहीं होंगी तो मानेंगे कि हमारा कंसेंट क्या है, फ्री है. ठीक है ना? तो ये होप है तुम्हें अच्छे तरह समझ आया होगा. टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है. इस वीडियो को देखना, शेयर करना, सारे बच्चों को बताओ कि वो थोड़ी सी वीडियो देखें, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो. ठीक है ना सर? ओके, थैंक यू वेरी मच.